Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Gas Station Simulator. All right guys, तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि last episode में हम लोगों ने एक new employee hire किया था अपनी gas station के लिए, क्योंकि इस gas station की वजह से अपने ऊपर workload बहुत ज़्यादा पड़ रहा था. Means हमें एक ही time पे fuel भी भरना है और लोगों को सामान भी बेचना है, cash register का काम करना है, गाड़ी repair करनी है, साफ सफाई करनी है और बस वगैरह का भी आ जाए तो बहुत सारे कस्टमर्स एक बार में आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा था. इसलिए हमें एक आध वर्कर की ज़रूरत थी और मैंने लास्ट टाइम एक लड़की है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसको रख लिया. फिलहाल अभी वो साफ सफाई कर रही है और बाकी आज की इस वाली वीडियो में हम लोग अपनी गैस स्टेशन को और अपग्रेड करने वाले हैं. ये देखो, ये अपना यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रही है. वेट, इसकी सैलरी $87. अबे रुके एक सेकेंड, तू अपना निकल सोने, तेरी पेमेंट मैं कर देता हूँ. 87 और मेरे पास है 78. इसके पैसे भी रुक जा भाई, तू रेस्ट का ऑप्शन नहीं है, टास्क लिस्ट गो ऑन अ ब्रेक. हाँ ठीक है, अभी पता चला ये ज़्यादा काम करते जाए और हमारी खाली पीली सैलरी बढ़ रही है. फिलहाल हमने कुछ कार पार्ट्स मंगवाए थे, उसका ट्रक यहाँ पर आ चुका है. और आप लोग सोच रहे हो कि हमेशा मैं वीडियो डे टाइम से स्टार्ट करता हूँ, तो आज रात से क्यों स्टार्ट करी है? तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाई पैसे जेब में बहुत कम है. ओ वेट, मैंने एक गड़बड़ कर दी, पहले ट्रक को अंदर लाना होता. भैंस की, ये जादूगर है भाई. वेट, आ जा भाई तू अंदर आ जा. इसके रुकने का कोई काम नहीं है, सामान मैंने निकाल लिया है. अबे जा, अरे यार लगी है. ओके, इसको अब समझ आ रहा है कि मैंने सामान निकाल लिया है, मैंने पीछे से ही निकाल लिया था. वैसे अभी अपना ट्रक यहाँ से बाहर निकाले तो मैं फटाफट से शटर को डाउन करूँ, अदरवाइज यहाँ से अपना सामान ये जो मैंने रखा है ना, ये कोई ना कोई चुरा के ले जाएगा. बाकी हाँ, गैस स्टेशन ना काफ़ी ज़्यादा गंदा मेरे को दिख रहा है. और एक चीज़ तो ऐसी है, मतलब आप लोग भी देख के डर जाओगे, यहाँ पर कूड़ा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया. रुक जाओ, थोड़ा बहुत कूड़ा भी हम लोग यहाँ पे साफ कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लीनिंग का काम मैंने उसको दिया था और वो साफ सफाई नहीं कर रही. बाकी एक चीज़ ये भी है, ये देखो, ये इसको अंदर फेंको. जो भी सामान साइड में होता है ना, तो जो कूड़े वाली गाड़ी आती है उसका उल्टा हिसाब है, बीच का सारा उठा लेगा पर साइड का सारा सामान यहीं पर छोड़ देता है. बाकी एक सेकंड, ये बोतल को अटका के गए यहाँ, इसको भी फेंको पीछे. ओके, सब हो चुका है. यहाँ पर दो बैग्स और थे, इसको भी फटाफट मैं अंदर रखता हूँ. फिलहाल अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ. ये देख रहे हो बच्चा यहाँ पे क्या ड्रॉ करके गया है. मुझे ना अच्छे से यार आज अपनी गैस स्टेशन में पेंट करना है, इस साइड भी, इस साइड भी. और ये जो अपना पूरा गैराज है, ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा गंदा है. इसको सबसे पहले पेंट करूंगा, क्योंकि इसमें अगर कोई भी एक गाड़ी रिपेयर होने के लिए आती है तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा हमें मिलता है. फिलहाल अभी फ्यूल स्टेटस लो दिखा रहा है और मुझे और फ्यूल मंगवाना पड़ेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि मिनिमम 100 लीटर्स देंगे वो लोग, और जो कि शायद से बहुत महंगा होने वाला है. मेरे पास $78 ही हैं. थोड़ी देर के लिए अपना गैस स्टेशन ओपन कर देता हूँ. ले आ, गाड़ी में फ्यूल भर दूँ. नहीं आ रहा, ठीक है. थोड़ी देर गैस स्टेशन ओपन कर दिया, एक आध कस्टमर आएंगे तो अपने आप ही मेरे को पैसे मिलते जाएंगे. जब तक मैं एक काम करता हूँ, अपने इस गैराज में पेंट करता हूँ. ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है. सुबह होते होते तो पेंट हो ही जाएगा. अब पेंट डिसाइड करना होगा मुझे कौन सा करना चाहिए. येलो पेंट नहीं यार, अभी अपना येलो अनलॉक नहीं हुआ है, शायद वो लेवल 4 पे अनलॉक होगा. और गाइज, राइट साइड में ना आपको कुछ चैलेंजेस दिख रहे होंगे, जैसे हमें कार में फ्यूल भरना है, कस्टमर्स को सामान देना है और कार रिपेयर्स करनी है. और जितने उसमें नंबर्स लिखे हैं, जब ये सारे कंप्लीट होंगे उसके बाद ही अपना लेवल अपग्रेड होगा और हम लोग गैस स्टेशन को अपग्रेड कर पाएंगे. और मेरे हिसाब से अगर एक बारी गैस स्टेशन लेवल 4 पे अपग्रेड हो जाता है तो फिर हम लोग कार वॉश वाला सिस्टम भी अनलॉक करके उसे रिपेयर कर सकते हैं. ओके ओके ओके, गैस स्टेशन कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए. वेट सर, ये डाला आपकी गाड़ी में फ्यूल. ओह वाह, ये बहुत ज्यादा फ्यूल डलवा रहा है और इससे हमें मिल गए $56. अभी मैं अब उसकी सैलरी पे कर सकता हूँ. फटाफट से उसको काम पे लगाते हैं. मैं इजीली उसको बैठा दिया था, क्योंकि भाई दे पैसे देने को उसे है नहीं और हम लोग उससे काम फटाफट करवाया जा रहा है. चले, इसकी भैंस की यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रही होगी. सिगरेट फेंक नीचे. अब फटाफट से चल तू काम पे. टास्क लिस्ट, क्लीन द स्टेशन, नहीं लोगों की गाड़ी में फ्यूल नहीं, हैंडल द रजिस्टर. अब जो भी सामान खरीदेगा, पे द एम्प्लॉय फॉर द प्रीवियस. ओ मैं दे रहा हूँ पैसे, रुक जाओ भाई साहब. $87. अब निकल काम पे फटाफट. अब दोबारा से बताना पड़ेगा हैंडल द रजिस्टर. अब सारा का सारा काम मैं इसी से करवाने वाला हूँ. अपना टाइम बहुत बचेगा. वेट, मुझे इन पैसों से फ्यूल भरवा लेना चाहिए था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बाकी एक बंदा गैराज में अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए आया, उसकी गाड़ी मैं रिपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं गैराज पेंट कर रहा था. बाकी गाइस, फ्रंट साइड से मैंने पेंट कंप्लीट कर दिया, आप लोग एक बार देखो कैसा लग रहा है. पूरा व्हाइट करा है और जो दोनों डोर्स है उसे मैंने थोड़ी वुडन थीम रखने के लिए ये ब्राउन पेंट कर दिया, अच्छा लग रहा है. जो कि बाकी इसकी गाड़ी में चेक करते हैं आखिरकार क्या प्रॉब्लम है. बटन दबा के
कार को पहले अपलिफ्ट करते हैं और मेरे पास सामान जो मैंने यहाँ खरीदा था वो मुझे यहाँ पे रखना चाहिए। टायर मैंने मंगाए थे और पांचों टायर यहाँ पे रख दिए इसकी गाड़ी में। ओ तेरी, एक टायर खराब है, एक वाला मिरर खराब है। मिरर तो एक सेकंड में लग जाएगा। और अपने पास गाइस मिरर्स भी खत्म होने वाले हैं, ये भी मुझे मंगवाने पड़ेंगे सारे के सारे। बाकी थोड़ा सा टूटा था, लेट्स गो, ये लगा दिया मैंने नया मिरर। अब मुझे एक टायर लेकर आना है और जो दूसरा वाला टायर है इसके साथ चेंज करना है। ये लगाया है यहाँ पे और सारे नट्स खोल लिए। टायर को कर दिया रिमूव एंड न्यू टायर को कर दिया प्लेस। अब फटाफट से सारे के सारे नट टाइट करते हैं और ये हमने लगा दिया अपनी गाड़ी में टायर। ओके थैंक यू सर, ये पुराने वाले टायर को मैं कूड़े में डाल देता हूँ, लगे आते। और कूड़े वाली गाड़ी भी मंगवा लेते हैं क्योंकि वो फ्री होती है, उसको तो जितनी मर्जी बार बुलाते रहो। बाकी यहाँ पर ये खाली तो नहीं खड़ी, यहाँ पर सामान दे रही है। पुलिस अंकल भी आए यहाँ पर सामान लेने के लिए। भाई सब पुलिस वाले आजकल ज्यादा आ रहे हैं। बाकी इसकी गाड़ी में फ्यूल भरना है और शायद से अभी फ्यूल पूरा खत्म ही होने वाला है। $305 हो गए अपने पास। अच्छा मैंने उसकी गाड़ी रिपेयर करी थी, अभी मैं फ्यूल मंगवा लेता हूँ फटाफट से। फ्यूल सप्लाई एंड 200 लीटर में अभी भी शायद नहीं मंगवा पाऊंगा। एक सेकंड ट्राई करते हैं। ऑर्डर नहीं, नॉट इनफ मनी ऑर्डर। ओके ओके ओके, तो चलो अभी मैंने सामान मतलब कि फ्यूल ऑर्डर कर दिया है। बाकी सामान भी अपने गैस स्टेशन में भी, तो ड्रिंक्स तो काफ़ी सारी पड़ी हैं, स्नैक्स ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए हैं, चिप्स बचे हुए हैं, बाकी बैग को भी खत्म है। न्यूज़पेपर अभी भी बहुत सारे पड़े हैं। मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं जो कि मुझे यहाँ पे नहीं है मेरे पास। ओ वेट, अल्कोहल, ओ थेरी भाई काफ़ी सारी मंगवाई हुई है, रख देता हूँ सारी मैं यहाँ पे। थोड़े से ना स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर लेने चाहिए, वैसे भी जितना ज़्यादा सामान होगा उतना ज़्यादा बिकेगा और उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। डिलीवरी प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं चाहिए, स्नैक्स, चिप्स वे क्रेस। थोड़ा थोड़ा सामान मंगाने से बढ़िया ना 1000 का लोन उठा लेते हैं और ढेर सारा सामान एक ही बार में मंगवाता हूँ ना, जल्दी जल्दी बिकेगा। थोड़ी बहुत ड्रिंक्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए थोड़े बहुत, और मुझे सिगरेट्स, कार केयर के भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और साथ ही ये महंगा वाला न्यूज़पेपर। ओके बहुत सारा सामान लिस्ट में ऐड कर लिया, जल्दी से मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। अब एक ही ट्रक में एक ही बार में बहुत सारा सामान यहाँ पे आने वाला है, बट थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए मुझे, जब तक गाड़ी में फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डिलीवरी हो चुकी है। वेट 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 सर, मैं आ रहा हूँ, रुक जाओ भाई, ये बंदा यहाँ पर आकर तब से खड़ा हुआ है। इसको फटाफट से लीवर ऑन करते हैं और फ्यूल अपने यार मुझे ये फ्यूल टैंक ना यहाँ पर इसको या तो बड़ा करवाना होगा या फिर ऐसा एक और लगवाना होगा। अरे रुक जा भाई 2 मिनट गंजे, पता चला गाड़ी रिपेयर करवाने आ रहा हूँ, सॉरी सर अपने ही कस्टमर हो गंजा। ओके सर जल्दी से निकाले वाला ट्रक, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी अभी मैं जैसे जैसे यहाँ पर काम करते जाऊँगा अपने चैलेंज वैसे वैसे कंप्लीट होते जाएंगे और जैसे सारे चैलेंज कंप्लीट होंगे मैं फटाफट से अपने गैस स्टेशन को अपग्रेड कर लूंगा। लेट्स गो, इसको उठा के डालो अंदर। और हाँ अभी फिलहाल मैं अपने इस गैराज को पेंट कर रहा था तो जल्दी से व्हाइट कलर लेकर चलते हैं। फ्रंट साइड होगी, बैक साइड और सारी साइड्स वॉल करते हैं। वैसे गाइस अगर अभी मेरा येलो पेंट अनलॉक हो गया होता तो मैं पक्का वही करता, उससे अपना गैस स्टेशन और ज़्यादा अपग्रेड हो जाता। ओ नाइस, कोई चैलेंज कंप्लीट हुआ गया अपना, पता नहीं शायद से मैंने कोई तो चैलेंज कंप्लीट करा है। बाकी वो जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो गाड़ी आ चुकी है, जल्दी से सारा सामान उतरवाते हैं। चल भाई लीवर मैंने ऑन कर दिया और शटर लिफ्ट हो चुका है, फटाफट से अंदर आ जाओ। बहुत सारा सामान आया है और सारा का सारा भी मुझे लोड करवाना है। ये खोलो और ये वाला कौन सा सामान था, कार प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे शायद। ओके सर सब हो चुका है, फटाफट निकलो अभी यहाँ से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। चलो फिलहाल ये जा चुका है, जल्दी से इसको भी करते हैं डाउन और फटाफट चलते हैं अपने गैराज को पेंट करने के लिए। बैक साइड से भी कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट। अरे वेट, आज मैं एकदम टॉयलेट क्लीन करना तो भूल ही गया। यहाँ पर फटाफट थोड़ी सी झाड़ू मारते हो, वाह साफ हो भी गया। आओ सर आओ, जल्दी आओ अब जितना भी सामान आया था ना वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए। इसको इधर प्लेस करा, इसको छोटे वाले फ्रिज में लगाते हैं। ये तो भाई पूरा भर चुका है। अरे सर रुक जाओ, चिप्स आ गए। अबे भाई एक्टिंग कर रहे, पड़े हैं इधर इधर पड़े तो अंधा है क्या भाई। अबे यार इसको लग रहा है अपने पास चिप्स आने वाले। सारा सामान है, आइसक्रीम लेने गया, एक्टिंग मत करियो। आइसक्रीम भी मैंने मंगवाई है थोड़ी सी इसलिए। ओके अल्कोहल जो मंगवाई थी वो यहाँ रखते हैं। बाकी कार केयर का सामान है तो अपने पास बहुत सारा, बट मैं रख नहीं सकता क्योंकि अपने पास शेल्फ एक ही है। न्यूज़पेपर भी कुछ एक्स्ट्रा ही वाले मंगवाए थे, क्रॉसवर्ड ये भी यहाँ रख देता हूँ। टोबैको थोड़ी सी है, यहाँ रखते। बस सारा सामान लगा दिया मैंने और अभी बिकना दोबारा से स्टार्ट। बाकी एक गाड़ी, एक काम कर तू गाड़ी रिपेयर कर, अब मैं बोर हो गया गाड़ी रिपेयर करने से। रिपेयर कार्स, आई एम बिजी राइट नाउ। अब फटाफट भाग यहाँ से। हाँ नहीं तो एक्टिंग कर रही है। अभी इतना सामान ले आया, इसको ऑरेंज वाली ड्रिंक चाहिए, कोई और पी ले भाई आज। पता नहीं इसने फैंटा की जगह लग रहा है मिरिंडा ले ली पर एक ही तो सेम स्टेज तो सेम है यार, तू पीना। वेट देखते हैं इसको क्या चाहिए था यहाँ से, एक्टिंग करके दिखा रहा था वहाँ पे। ओके इसने ये खरीदा है, एक ये ऑरेंज वाली ली है, दो ली है, वाह उतनी तीन ली है। अच्छा एक ही वाली है भाई साहब, इन्हें सामान तो बहुत खरीदा है। थैंक यू सर। अभी एक बार ना फटाफट से देख कर आता हूँ कि आखिरकार वो कार रिपेयर कर रही है, इसने कार रिपेयर करी या फिर कार रिपेयर वाले को भगा दिया, पता नहीं यार। इसको मेरे हिसाब से कार, तू निकलो इसको भगा दूँ कैसे, मेरे को लग नहीं रहा ढंग से काम करना था। तू ये कैश रजिस्टर पे ही जा। हाँ नहीं तो
पता ही नहीं चला कौन सी गाड़ी रिपेयर होने आई थी और बंदा कहाँ गया। ओ वेट 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 एक सेकंड, एक प्रॉब्लम हो जाएगी अभी, मुझे लोन पे करना है फटाफट से चल के। मेरे पास अभी जितना पैसा है ना $929 है ना, इसको तो पे करता हूँ, 170 और देने हैं जो कि शायद से अभी इकट्ठे हो जाएंगे, मैं दे दूंगा भाई। अभी प्रॉब्लम हो जाती बहुत बड़ी, वरना जिनसे मैंने लोन लिया है ना वो सीधा गैराज में आके पीट के जाएगा बंदा मेरे को। बाकी अभी मेरे को इंटीरियर साइड पे भी व्हाइट पेंट करना है, तो जल्दी से पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट वाली वॉल भी कंप्लीट हो चुकी है और शायद से एक गाड़ी अपने गैराज में आई है रिपेयर करने के लिए। पहले वाली वॉल कंप्लीट कर ली, अब मैं देखता हूँ हाँ भाई किसको गाड़ी रिपेयर करवानी है। रुक जा पहले चेक करो दिक्कत क्या है। हाँ नहीं तो अभी अपने पास पैसा हो जाएगा अच्छा खासा, इसकी गाड़ी रिपेयर होते ही जो पैसा आएगा उससे मैं लोन पे कर दूंगा। इसकी गाड़ी में टायर और मिरर खराब है। तुम्हारे मिरर ही क्यों खराब होते हैं हमेशा, डेली साइड मिरर खराब होते हैं। वैसे गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम लोग दो एम्प्लॉय हायर कर ले, मतलब जैसे कैश रजिस्टर कर रहे हैं उसी टाइम एक बंदा गाड़ी भी रिपेयर करते रहे तो हमें एकदम फुल रेस्ट मिल जाएगा यार। पता करता हूँ उसके लिए आखिरकार मुझे करना क्या होगा। मुझे शायद से एक और एम्प्लॉय को हायर करने के, हायर ये ऑप्शन, यहाँ पर दो लड़कियां एक ये है, मतलब एक लड़का है इसको फ्यूलिंग वन लेवल, ये इसका सब में वन है, इसका एटलीस्ट कैश रजिस्टर में टू लेवल है, इसको हायर करते हैं। नो स्पेस मुझे उसके लिए ट्रेलर भी खरीदना होगा क्या ये वाला, नॉट इनफ मनी। और शायद से भी इस लेवल पे अनलॉक भी नहीं होने वाला, इसके लिए अपना गैस स्टेशन लेवल 4 होना चाहिए। बाकी हाँ अभी ध्यान में आ गया, अपने पास पैसा इकट्ठा हो चुका है, लोन पूरा पे कर देता हूँ मैं, पे द लोन बाय हो गया। तो अभी अपनी गैराज का इंटीरियर पेंट कंप्लीट होने वाला है, बट अपनी जो एम्प्लॉय है वो सोने जा चुकी है और इस टाइम पे जो कस्टमर्स हैं वो बेचारे सारे के सारे खाली पड़े। वेट मैं सामान दे देता हूँ, मुझे भी पेंट भी करना है सामान भी देना है, फिर वर्कलोड स्टार्ट हो गया यार। कोई बात नहीं, रात के टाइम पे मुझे अकेले काम करना होगा यहाँ पे। ओके गाइस तो भी मैंने यहाँ पर एक कार और रिपेयर करी है और इसकी गाड़ी के दो टायर खराब थे जिस वजह से अपने जो बाकी दो टायर बचे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो मुझे कार प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत न्यू ऑर्डर कर देने चाहिए क्योंकि गाड़ी रिपेयर होने आते हैं तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना है। तो फटाफट से चलते हैं कार पार्ट्स में, मुझे टायर मंगा लेने चाहिए, स्क्रैच रिमूवर भी एक आध चलेंगे, बाकी कार मिरर्स हर बार यूज होते हैं। काफी सारी चीजें मैंने लिस्ट में डाल तो दिया पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 329 है तो सामान कम करते हैं, अभी टोटल बन रहा है 385, टायर भी कम करो। ओ भाई 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 अपनी एम्प्लॉय कहाँ पर है, वो सो के उठी नहीं क्या, इतनी भीड़ लग गई है यहाँ तो। अब मैं इसके पास जा तो रहा हूँ बट ये शायद से पिछली पेमेंट भी मांगेगी, $140। मैं आता हूँ रुक दो मिनट में, मेरे पास 70 है। घुमा फिरा के आधे से ज्यादा काम अभी भी मुझे ही करना पड़ रहा है, भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। अबे तू कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ लेना गंजे। इन सबको तो अभी मैंने सामान देकर यहाँ से रफा दफा कर दिया है और मेरे पास $137 ही हुए हैं, उसे $140 देने हैं मुझे अपने एम्प्लॉय को। बाकी इसकी गाड़ी में फ्यूल भरते अपने पास पैसा इकट्ठा हो चुका है और एक गाड़ी रिपेयर होने के लिए आई है और एक गाड़ी और आ रखी है जो कि कार पार्ट्स लेकर आई है। तो फटाफट से इससे भी सामान निकलवाता हूँ मैं जल्दी से जल्दी, लेट्स गो। ये आ गया मैं अंदर, इसको करा ओपन, अभी चलते हैं सीधा अपने एम्प्लॉय के पास, मतलब एक के बाद एक काम। बाकी इसको इसकी सैलरी देता हूँ, हैव टू टॉक पेमेंट, ये ले तेरे $140 और फटाफट से जा हैंडल द रजिस्टर। भाई बहुत ज़्यादा काम हो रखा है, लेट्स गो सामान निकालते हैं इसमें से। ओपन ओपन ये निकाला भाई, कितना सामान मंगाया था आज सारा खत्म हो गया। हाँ ये हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि ना अभी ये जो पिलर्स है इसको एंड में करूंगा, पहले इंटीरियर करते हैं। और पिलर के लिए मुझे कलर शायद से ब्लैक या डार्क ग्रीन वही बढ़िया रहेगा। लेट्स गो, इंटीरियर पूरा कंप्लीट पेंट हो चुका है और मैं अभी आता हूँ, रुक जा तेरी गाड़ी को मैं लिफ्ट कर दूँ और फटाफट से एक बंदे की गाड़ी में फ्यूल भर के यहाँ पर वापस आते हैं। बाकी अपना काम वहां पर चल ही रहा है अंदर कैश रजिस्टर का, भाई सब कितनी भीड़ है अभी भी। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं हम लोग अंदर और इसकी गाड़ी में दोनों, ओ भाई बहुत छोटा काम है इसके, बस साइड मिरर्स खराब है, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये तो। 1 2 3 4 5 ये हटाया, नया लगा दिया, दूसरा पिक करा और साइड वाले में भी फटाफट से 1 2, लेट्स गो ये भी लग चुका है और सिर्फ इतने से काम के हमें $200 मिल चुके हैं, वाओ। बाकी हाँ अभी मैंने सोचा था कि पिलर पर मुझे डार्क ग्रीन पेंट करना है तो फटाफट से ये वाला कलर सिलेक्ट करते हैं। और नहीं यार, नहीं यार यार, एक तो इसमें ना कैंसिल का ऑप्शन होना चाहिए, वैसे बुरा नहीं लग रहा यार, यहाँ पर ग्रीन पेंट अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ग्रीन पेंट बहुत ज्यादा सही लग रहा है इस साइड पे, मैं अभी ग्रीन पेंट पूरी इस वॉल पे करने वाला हूँ। वैसे अगर अभी यहाँ पर करा है तो मुझे वो साइड वाली वॉल भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज इनकम्प्लीट लगेगा। वैसे जो भी कहो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अब पिलर पर ना ब्लैक पेंट करते हैं, हाँ ये वाला, लेट्स गो। बाय द वे ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ग्रे है, बट हाँ जो भी हो काफी सही लग रहा है, इधर भी यही करते हैं। ये हो गया, अब मुझे राइट साइड में करना था ये ग्रीन वाला कलर। ओके तो फाइनली अपना गैराज मैंने पूरा पेंट कर दिया है और फ्रंट से जब आप लोग इसके लुक देखोगे ना, मैं दिखाता हूँ वेट आपको, ये क्या ही मस्त लग रहा है। पिलर्स रह गए हैं वैसे, फ्रंट के हो गए थे डार्क ब्लैक, ओ डार्क ग्रे, इधर के भी मुझे फटाफट से करने हैं। गाइस 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 अभी ना मेरे को अपने गैस स्टेशन का ये कूड़ा सारा साफ करना होगा क्योंकि जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो सारे के सारे, मतलब अगर उनको स्मेल आती है तो शायद से
रिस्पॉन्स खराब होता है, सीधी सी बात है यार। इसको अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है, इसका एक टायर खराब है और इसकी गाड़ी में स्क्रैच आ रखे हैं। देख भाई, मैं स्क्रैच तो रिमूव कर दूंगा अभी के अभी, बट मेरे को टायर ना नए वाले ऑर्डर करने पड़ेंगे, उसके लिए वेट करना होगा। ओके, गाड़ी के स्क्रैच रिमूव हो गए हैं, अब रुक जा मैं नए टायर मंगा लेता हूँ। टायर के रेट यार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, 75 के हो गए, तो कोई बात नहीं ऑर्डर कर देते हैं। रुक जा चाचा, 5 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। फटाफट से मैं बाकी काम करता हूँ, बाकी गैराज पूरा पेंट हो चुका है आगे से लेकर पीछे तक, इसे पूरा का पूरा मैंने अच्छे से चमका दिया है। वैसे अगर अभी पेंट कर ही रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गैस स्टेशन को भी पेंट करके फटाफट से कंप्लीट करूं। फिलहाल यहाँ पर एक बंदा गाड़ी में फ्यूल भरवाने आया है, लेट्स गो, इसकी गाड़ी में जल्दी से फ्यूल भरते हैं। नाइस, $57। ओ तेरी भाई, क्या गंदा हो रखा है। वेट वेट वेट, फटाफट से यहाँ पर सफाई करते हैं। सफाई तो होगी, कूड़े वाली गाड़ी भी फटाफट से मंगवा लेता हूँ। ओके, गैराज कलेक्शन। अबे यार, तेरे को ये ऑरेंज वाली की बहुत ज्यादा डिमांड है, रुको ऑरेंज वाली को मैं ऑर्डर करूँ सबसे पहले। कौन सी है भाई ऑरेंज वाले ड्रिंक, ये ट्रॉप। अच्छा, ये महंगी है बेटा, तभी बहुत डिमांड है। ठीक है, $409 का सामान मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी से वो यहाँ पर पहुंचेगा। अभी एक्चुअली सीन क्या है ना, मुझे अपनी चैलेंजेस जो राइट में आ रहे हैं कंप्लीट करने ही होंगे, अदरवाइज हम लोग अपनी गैस स्टेशन को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। उसे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा महंगी चीजें बेच के ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। बाकी जो कार पार्ट्स मंगवाए थे वो भी आ चुके हैं, फटाफट से ट्रक को करता हूँ अनलॉक और ये कार पार्ट्स उठा के मुझे रखने हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं बंद। चल भाई फटाफट निकल ले अब। ओके ओके, इसने आज अपना काम कर लिया, फटाफट से रेस्ट करने जा रहे हैं। रुक जा, सैलरी ले जा भाई। गार्बेज वाले ने तो आके सारा का सारा कूड़ा यहाँ से उठा लिया है, और देखो गाइस सारा कूड़ा उसके अंदर डाला हुआ था ना, मतलब एकदम बीच में, तो फटाफट से हो गया। बाकी भी जो प्रोडक्ट्स मंगवाए थे अभी, फ्रूटी कह रहा हूँ, ड्रिंक्स वगैरह वो भी आ गई हैं। कस्टमर्स बहुत आ गए हैं इस टाइम गैस स्टेशन में, फटाफट से उन सबको फ्री करना होगा यार। एक जन अभी गैराज में वेट कर रहा है, उसकी गाड़ी का टायर मुझे लगाना था नया वाला, 5 टायर उसी के लिए मैंने मंगाया है, मतलब इसकी गाड़ी में तो एक लगना है, बाकी मैंने 5 ऑर्डर कर लिए एक्स्ट्रा। ओके, तो इसकी गाड़ी हो गई है रिपेयर और अभी मुझे इससे अच्छे खासे पैसे जहाँ तक है मिल जाएंगे। ओए, और कुछ भी रह रहा है क्या? अच्छा मेरा, ओ भाई साहब, इसकी गाड़ी में तो बड़ी प्रॉब्लम थी, मिरर भी खराब थे, टायर भी खराब था, स्क्रैच भी रिमूव करवाना था। $290, वैसे शायद ऐसा लग रहा है जैसे कम पैसे दिए हो, पता नहीं। ओ भाई पता नहीं, अभी ये जो बंदा है ना, इसने बहुत सारा सामान खरीदा पर सस्ता सामान था। ओए हेलो, ये तो ऐसे ही आ गया घर से उठ के। गाइस अभी ना मैं सही में काम कर करके बहुत ज्यादा थक गया हूं। जो नया सामान आया था अभी फिलहाल सारे कस्टमर्स को फ्री कर दिया, जो नया सामान आया था उसको फटाफट यहाँ पर प्लेस करते हैं। बड़े वाला फ्रिज भी ड्रिंक से पूरा भर चुका है, छोटा वाला फ्रिज भी भर गया है और अभी अपने पास कोई जगह नहीं रखने की। फिलहाल अभी यहाँ पर कार पार्ट्स थे उसको यहाँ रखता हूँ, और आइसक्रीम्स थी नहीं है, ओ न्यूज़पेपर से उसको भी यहाँ पर रखवा देते हैं, टोबैकोज यहाँ पे रखते हैं। मैं ना गाइस अभी अपना गैस स्टेशन बंद करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने कस्टमर्स आ चुके हैं ना भाई, मैं इनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेट्स गो, फटाफट से चल के मैं इसे बंद कर देता हूँ भाई। बाय बाय, सॉरी जो लोग अभी आए थे जिनको सामान नहीं मिला। फिलहाल अभी फ्यूल वाली गाड़ी मंगवाई है, उसको फटाफट से फ्यूल लेते हैं। चल भाई निकल, और कोई सामान नहीं है यहाँ। बाकी यार ये काम तो चलते रहेगा, फिलहाल अभी मुझे चल के रेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे यार एक सेकेंड, जब ये अपग्रेड हुआ था ना तो ये देखो कैसा था। काम वाम तो चलता रहेगा, फटाफट से अभी मुझे चल के रेस्ट करना चाहिए। और वेट गाइस, उस टाइम वो जो हल्की सी क्लिप आई थी ना वो इसी की थी। अभी अपना गैस स्टेशन 3 स्टार का हो चुका है ना, मतलब शायद से 3 लेवल पे 3 स्टार आ गए हैं और 5 लेवल पे 5 स्टार। मुझे ना अभी चल के अपनी गैस स्टेशन को दोबारा से एक बार पेंट करना होगा, जो जो वॉल गंदी हो रखी है, जैसे वो बच्चा यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के चला गया है। बाकी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और ये जो अपना डस्ट बाउल वाला इसे लोगो कहेंगे या फिर जो भी हो, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है आप देखने में। पहले ऐसा नहीं दिखता था, पहले पूरा रस्टी सा हो रखा था, बट अभी एकदम मस्त ब्लू पेंट हो चुका है, सिल्वर गोल्ड स्टार्स यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया ये होते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ लेट्स गो। और इसमें इस गेम की ना ये चीज अच्छी लगी, जैसे देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर आज ही पेंट करा है, तो देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और इस जगह पे मैंने फर्स्ट डे पेंट करा था, और ये पेंट यहाँ का धीरे धीरे खराब हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार पेंट कर दिया तो ये चीज परमानेंट हो जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर लोग आएंगे सारी जगह गंदी होगी, देखो कैसे वॉल सारी गंदी हो रही है। और बाकी दंग ये तो वो है कि जब हमने लोन पे नहीं करा था वो लोग आके पीट के गए थे, तो खून से लिखा हुआ है भाई वहां पर। बाकी यार जो भी है मजा आया। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा अपनी गैस स्टेशन को अपग्रेड करके जो कार वॉश वाला है ना इसको मैं ऑन कर दूं, क्योंकि इससे पैसा तो आएगा बट मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप आएगी धुलेगी और जाएगी, शायद ये फुली ऑटोमेटिक होगा, पता नहीं। अगर खुद भी धोनी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा मजा आएगा कार धोने में। बाकी यार आज के सारी वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा की गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि आपको आज की वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आज के सारी वीडियो में नहीं मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।